अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू आवर चैनल प्रोग्रामिंग एकेडमी। सो गाइस, टुडे वी विल स्टार्ट अबाउट ऑपरेटर्स, हाउ मेनी ऑपरेटर्स इन सी प्लस प्लस। नंबर वन, ऑटोमेटिक ऑपरेटर्स। ऑटोमेटिक ऑपरेटर्स हम यूज़ करते हैं जो, फॉर एग्जांपल, किसी वैल्यू को हम ऐड करते हैं या माइनस करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं या डिवीजन करते हैं या इसका रिमाइंडर निकालते हैं। सो देखते हैं, यहाँ पे अगर हम दो वैल्यूज़ का सम निकालते हैं तो हम ऑटोमेटिक ऑपरेटर को यूज़ करते हुए हम उसका सम निकालेंगे। फॉर एग्जांपल, सम इक्वल टू ए प्लस बी। एंड रिलेशनल ऑपरेटर्स ये एक्चुअली होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स, या फॉर एग्जांपल, ए हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं, ए दोनों इक्वल हैं। अब हम अगर देखते हैं कि ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स, तो ए की वैल्यू अगर ग्रेटर देन या इक्वल टू बी है तो इट्स फॉल्स। अगर वो इससे बड़ी वैल्यू है, ए की वैल्यू बी से बड़ी है, तो इससे फिर फॉल्स हो जाएगा। अगर वो छोटी है या इक्वल है तो ये ट्रू है। और लॉजिकल ऑपरेटर, फॉर एग्जांपल, एक दो वैल्यूज़ हमारे पास, अब हम यूज़ तीन वैल्यूज़ है हमारे पास फॉर एग्जांपल, और उसका हम लार्जेस्ट वैल्यू निकालते हैं। तो बाई यूजिंग लॉजिकल ऑपरेटर हम कैसी उसको उसकी लार्जेस्ट वैल्यू को निकालेंगे। नंबर वन, ये ए ग्रेटर देन सी एंड ए ग्रेटर देन बी, देन वी विल फाइंड द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ आउट ऑफ थ्री वैल्यूज। सो असाइनमेंट ऑपरेटर्स ये यूज़ करते हैं हम, असाइनमेंट किसी वैल्यू को किसी वेरिएबल को असाइन करते हैं तो उसे असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक वैल्यू है 34, और उसको हम असाइन करते हैं ए इक्वल टू 34, ये असाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल, जिस तरह हम किसी वैल्यू, कोई वैल्यू है हमारे पास, उसको हम पहले किसी वैल्यू के साथ ऐड करते हैं और फिर असाइन करते हैं, तो फिर उसके लिए हम ये प्लस और इसी तरह माइनस इन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, इन वैल्यूज़ को हम इन सिंबल को हम यूज़ करते हुए इसी तरह हम असाइन कर सकते हैं। तो लेट्स सी, अब देखते हैं कि हम सी प्लस प्लस में प्रोग्राम बनाते हैं और देखते हैं कि कैसे इन वैल्यूज़ को हैंडल जो फाइंड करके कैसे हम कर सकते हैं। नंबर वन, सो गाइज, अब ये प्रोग्राम लिखा हुआ है आपके सामने। ये तो बेसिक हमारे पास जो मेन जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स है वो हो गए। अब हमारे पास एक हम तीन वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, उनको डिफरेंट वैल्यू असाइन करते हैं, ए इक्वल टू 45 एंड बी इक्वल टू 41 एंड सी इक्वल टू 90 एंड एड, ये एक वेरिएबल हमने डिक्लेयर किए हैं। फॉर एग्जांपल, हम ये एक वेरिएबल है। अब हम अर्थमेटिक ऑपरेटर को यूज़ करते हुए कैसे हम एड को वैल्यू असाइन करते हैं, ए इक्वल ए प्लस बी माइनस सी मल्टीप्लाई बाई ए। तो ये ऑटोमेटिक ऑपरेटर को यूज़ करते हुए ये एक हमने एक वैल्यू निकाली है, और यहाँ पे हम इसको प्रिंट आउट करते हैं। सॉरी, एड एंड सो गाइज, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एंडल, ओके, ताकि न्यू लाइन पे ले जाए। यहाँ पे मैं कुछ लिख रहा हूँ ताकि हमें पता चले, एड इक्वल टू इसकी ये इसको साइन हो जाएगी, ठीक है, ओके गाइज। सो गाइज, अभी देखते हैं कि हम रिलेशनल ऑपरेटर को यूज़ करते हुए कैसे एक वैल्यू निकालते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास दो वेरिएबल है और उसमें से हम लार्जेस्ट वैल्यू को निकालते हैं, तो हम एक कंडीशन लगाएंगे, ए ग्रेटर देन बी एज लार्जेस्ट, अदरवाइज एल्स बी एज लार्जेस्ट। अगर बी ए छोटी वैल्यू है तो वो ऑटोमेटिकली बी एज लार्जेस्ट वैल्यू आपको साइन करेगा, क्योंकि एल्स जो यहाँ पे कंडीशन नहीं लगते, ये याद रखिएगा, यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं लगता। अभी लॉजिकल ऑपरेटर को यूज़ करते हुए कैसे हम एक थ्री वैल्यूज़ में से लार्जेस्ट वैल्यू निकालते हैं, तो ये देखिएगा आप, ए इज़ ग्रेटर देन बी एंड ए ग्रेटर देन सी। एन ऑपरेटर को अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू होते हैं तो ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट करेगा, और अगर अदरवाइज ये नेक्स्ट स्टेटमेंट पे चला जाएगा एक कंपाइलर। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट में भी बी इज बी ग्रेटर देन ए एंड बी ग्रेटर देन सी, अगर ये भी फॉल्स है तो ये ऑटोमेटिकली ये एल्स स्टेटमेंट पे चला जाएगा, और एल्स स्टेटमेंट ये अगर वो कंडीशन चेक नहीं करेगा एल्स में, वो ऑटोमेटिकली स्टेटमेंट को प्रिंट करेगा। सो यहाँ पे कंडीशन की ज़रूरत ही नहीं है। अगर बी भी
लेस देन बोथ वैल्यूज़ है, अगर ए भी लेस देन बोथ वैल्यूज़ है तो हमारे पास ऑटोमेटिकली बी इज़ ग्रेटर देन बी इज़ लार्जेस्ट वैल्यू। सो अभी अर्थमेटिक ऑपरेटर को यूज़ करते हुए कैसे हम एक वैल्यू को निकालें। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ किए, और यहाँ पे अगर हम वैल्यूज़ एक्सचेंज करते हैं तो हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, उस वेरिएबल को हमने ए की वैल्यू असाइन किया और ए को बी की वैल्यू असाइन की, और बी को जो ए की वैल्यू हमने जिस टेम्प में स्टोर की थी उस बी को असाइन की। तो यहाँ पे हमने अभी प्रिंट किए तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज़ एक्सचेंज हो गई। तो लेट्स सी, अब देखते हैं कि हमारे पास प्रिंट आउट क्या आता है। सो गाइज ये प्रिंट आउट है, अभी देखते हैं ये हमारे पास इस प्रोग्राम का जो देखें। अब यहाँ पे अगर इसको कैलकुलेट करके ये -3946 वैल्यू आती है। अब इस कंडीशन को वो देखेगा तो वो ए इज लार्जेस्ट, ऑटोमेटिकली आप देख रहे हो कि ए 45 है और B 41 है तो ए इज लार्जेस्ट। एंड दूसरी कंडीशन में लॉजिकल ऑपरेटर को यूज़ करते हुए जो दूसरी कंडीशंस हमने लगाई हैं, ये आप देख रहे हो कि ए ग्रेटर देन बी एंड ए ग्रेटर देन सी नॉट इट्स फॉल्स, एंड बी ग्रेटर देन ए येस नो, एंड बी ग्रेटर देन सी इट्स ऑल्सो फॉल्स। एंड एल्स ऑपरेटर में अगर हम देखें तो सी ए सी भी ग्रेटर देन है और बी सी भी ग्रेटर देन है, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आया कि सी इज लार्जेस्ट। अब भी देखते हैं कि सो एंड टेम्प में क्या वैल्यू आई, टेम्प इज इक्वल टू ए तो 45 वैल्यू आई, अभी ए में तो कोई वैल्यू नहीं है तो ए को हम बी की वैल्यू असाइन करते हैं, बी इज ए इज इक्वल टू बी तो बी ए में क्या वैल्यू आ गई 41, एंड बी इज इक्वल टू टेम्प बी में क्या वैल्यू आई 45। ये आप देख रहे हैं कि फर्स्ट वैल्यू हमारी पास ए की है और सेकंड बी की है, तो हमारे पास ये रिज़ल्ट आ गया और आउटपुट हमारे पास ये आता है। तो सो गाइज उम्मीद है आप लोगों को ये समझ आ गया होगा, अगर आप लोगों को समझ नहीं है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और नेक्स्ट वैल्यू के लिए तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादातर शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जो न्यू पार्टिसिपेंट आए हैं उनको रिक्वेस्ट है कि वो सब्सक्राइब करें।